तो गाइस ये वाला है प्रेमनगर आश्रम, ये आप देख सकते हैं, ये इसका मेन गेट। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में जा रहा हूँ मैं प्रेमनगर आश्रम, जो कि मैन्युफैक्चर बाय सतपाल महाराज जी और जिनका पहाड़ों में हंस फाउंडेशन चल रहा है और जिनका मेन ब्रांच जो हंस फाउंडेशन के जो सतपुली में है। तो सतपाल महाराज जी ने यहाँ पर प्रेमनगर आश्रम बनाया है और आज मैं अभी पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पर। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैं प्रेमनगर आश्रम नहीं गया हूँ। तो फटाफट से चलते हैं वहाँ और देखते हैं वहाँ पर प्रेमनगर आश्रम कैसे है, वहाँ के जो घाट है वो कैसे है, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे आज की वीडियो में। तो गाइस आज का जो मौसम का स्टेटस है देख ही रहे होंगे, बैकग्राउंड बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ और सुथरा है मौसम आज। इस तरह से आप देख सकते हो बिल्कुल मौसम ने साफ़ और सुथरा हो रखा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है कि कभी भी चेंज हो जाता है यार। तो कल आपने देखा होगा कल की वीडियो में, तो आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो आप जा सकते हो हमारे न्यूज़ चैनल, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर देखना। कल दिन में 12 बजे के करीबन यहाँ पर इतना भयंकर कहर बरसा, हवा बारिश पता नहीं क्या क्या हो रहा था यहाँ पर, बहुत भयंकर वाला सीन हो रखा था। तो यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अभी का जो लेटेस्ट टेम्परेचर है वो 29 प्लस है, ठीक है। बाकी जो दिन का होगा वो मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा, बट दिन का कोई भरोसा नहीं है कि दिन में क्या होता है, क्योंकि मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और मिलते हैं आपको आगे वीडियो में ही। तो हे गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने लिफ्ट पॉइंट पे और यहाँ से लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे यार, फटाफट से लिफ्ट में लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं यहाँ से, जो भी मिलेगा और जैसा भी मिलेगा। तो चलो फिर वेट नहीं करते हैं, देखते हैं अगला। गाड़ियाँ बहुत निकल चुकी है और फाइनली लिफ्ट मिल चुकी है यहाँ से, भाई जाएंगे आधे रास्ते तक, आधे रास्ते तक भाई देखिए खाली चले जाते हैं, गाड़ी में है एक मिनट। थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद आपका। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से यार, भाई यहीं तक थे, यहाँ से वो ज्वालापुर के साइड में निकलेंगे यहाँ पर, तो इसलिए हम निकलते सीधा आगे की तरफ, कोई और देख लेने की कोशिश। जितनी बारिश हो रही है उतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यार ऐसा है कि यहाँ रानीपुर मोड़, यहाँ जो हरिद्वार है ना, यहाँ जैसे ही धुंध हट जाती है तो धूप आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से साफ सुथरी धूप आ रखी है। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो अभी क्लीन नहीं है, और वैसे भी मौसम ज़्यादा क्लीन तो नहीं है बट बहुत ही सही है। और यहाँ जो साइकिल वाला भाई था वो मुझे रोक रहे थे बट मैं रुका नहीं, क्योंकि यार मैं तो अपनी गाड़ी में तो था नहीं, मैं दूसरे की गाड़ी में था, तो मैंने कहा यार मैं आगे भी निकल चुका था कम से कम 100 मीटर दूरी, वो मुझे रोक रहे थे, शायद कुछ पूछ रहे होंगे, बट वो आ रहे हैं पीछे से, अगर मुझे चलते चलते मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यार क्या है ना कि वो मिले नहीं, मैं उन भाई दूसरे की बाइक में मैं कब तक रोकता उनको, कब तक बात करता उनसे, वेट करता तो टाइम लग जाता बहुत सारा, तो इसलिए मैं रुका नहीं। अगर आ रहे होंगे पीछे से तो हम कोशिश करेंगे उनको, तो चलते हैं फटाफट, तब तक हम चल लेते धीरे धीरे करके। यार देख रानीपुर मोड़ तक एक लिफ्ट और मिल चुकी है, रानीपुर मोड़ तक चलो सर, फाइनली रानीपुर मोड़ तक सर मिल गए, सर के साथ चलते यहाँ से रानीपुर मोड़ तक, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ओके सर, थैंक यू। यहाँ से मेरे जाना है आगे की तरफ, और ये है निकलो यहाँ से, ये है चौराहा, इस चौराहे से हम आगे निकलेंगे और सीधा जाएंगे हम आगे की तरफ,
और सामने हमारे प्रेमनगर आश्रम, और वहाँ से आज हम पूरी जो है गंगा नदी के किनारे किनारे निकलते रहेंगे और निकलते निकलते हरिद्वार की तरफ चलेंगे। देखते हैं वहाँ से कैसा रास्ता है। तो गाइस ये वाला है प्रेमनगर आश्रम, ये आप देख सकते हैं, ये इसका मेन गेट, ये पूरा का पूरा वहाँ तक जो आप देख रहे हैं सारा का सारा प्रेमनगर आश्रम है। और यहाँ से इंटर पॉइंट है, बाकी आप लोगों देख रहे हैं। तो गाइज ये है पूरा प्रेमनगर आश्रम का घाट, जो कि आप देख रहे होंगे बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है, सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है, बट थोड़ा क्लीनिंग जो है यहाँ पर शौचालय की क्लीनिंग नहीं है। मेरे सामने मेन हाईवे आप देख रहे होंगे, ये है मेन हाईवे, और ये है श्री हंस पावन घाट। एक्चुअली मैं अंदर, गाइज भागवत चल रही है जिसकी वजह से अंदर उन्होंने अलाउ नहीं किया। पहले मैंने सोचा कि उन्होंने क्यों नहीं अलाउ किया, बट बाद में पता लगा कि वहाँ अभी कथा का आयोजन किया जा रहा है, श्रीमद् भागवत कथा। ये है पूरा प्रेमनगर आश्रम, सारा का सारा प्रेमनगर आश्रम ही है। और बाकी आप यहाँ पर कुछ चित्रकलाएँ देख सकते हो, इधर माँ गंगा सामने हमारे। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले घाट पे जाते हैं, यहाँ का रास्ता है कहीं बाहर निकलने का, ये तो है ही। इसके बाद दूसरा भी रास्ता है यहाँ से दूसरे वाले घाटों पे जाने का, या गुरु गोविंद घाट कुछ भी कह सकते हैं आप, और कुछ इस तरह से यहाँ से दिखता है। और यहाँ पर भारत माता की प्रतिमा भी लगी हुई है। ओहो ओहो आहा भाई साहब। तो गाइस यहाँ पर जो फीलिंग आ रही है ना, हवा चल रही बहुत मस्त वाली, मतलब स्लोली चल रही है, बट बहुत ही बेहतरीन। तो यार आप भी इन घाटों का लुत्फ़ उठा सकते हो अगर आप हरिद्वार में आते हो। अगर आप हरिद्वार के हर की पौड़ी से बचना चाहते हो भीड़ भड़ाके से, तो आप इन छोटे छोटे घाटों पर आके अपनी जो है मन की शांति को बुझा सकते हो। यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ और कुछ तस्वीरें लेते हैं दूसरे वाले कैमरे के साथ। तो गाइस यहाँ से आप ताज़े व्यूज़ ले देख सकते हो यहाँ पर हर की पौड़ी हरिद्वार के। अभी मैं बैक में हूँ, थोड़ा मैं आगे चलता हूँ आपको माँ गंगा के बिल्कुल समीप, और यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो देख सकते हो यार यहाँ से, फ्रेंड्स। तो गाइज यार अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने एरिया में। एक्चुअली मैं क्या हुआ ना कि जो मेरा दूसरा कैमरा था उसका चार्ज खत्म हो गया, जिसकी वजह से मैं वहां से आने वाली जो वीडियो है ना वो नहीं बना पाया यार। और अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने एरिया पे, और यहां पर थोड़ा मैं छाँव में सस्ता रहा हूँ यार, धूप बहुत भयंकर लग रही है
और अभी का जो लेटेस्ट टेम्परेचर है हरिद्वार का वो है 35 डिग्रीज, और बाद में 3-4 बजे तक पता नहीं कितना पहुंचता है, वो मुझे पता नहीं है, या फिर देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको बताने की बाद में। तो चलो गाइज, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।